हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में गटर मार रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि गटर मार रिएक्शन क्या होता है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी एग्जाम्स के लिए। उस अकॉर्डिंग आपको एक हैंडरिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं गटर मार रिएक्शन क्या होता है। अगर हम इसका बेसिक डेफिनेशन देखें तो फिनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड एन HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड गटर मार रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जब फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCl गैस के प्रेजेंस में, ठीक है, AlCl3 के साथ एनहाइड्रस है, ठीक है, AlCl3 के साथ जब हम गर्म करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं, तो हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे सैलिसिलडिहाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को गटर मार रिएक्शन कहा जाता है। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, सिंपल सा, जब फिनॉल को HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCl के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, मतलब निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमको यह ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसे सैलिसिलडिहाइड भी कहा जाता है। तो इसी रिएक्शन को गटर मार रिएक्शन कहते हैं। ये सिंपल सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जनरली पूछा जाता है गटर मार रिएक्शन क्या है, तो आपको इतना ही इसका डेफिनेशन एंड ये रिएक्शन लिखना है। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। बीएससी में आपको जनरली मैकेनिज्म ही पूछा जाता है, तो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं डिटेल से, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। है गटर मार रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसको तीन स्टेप में हम डिटेल में समझेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से गटर मार रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारा मैकेनिज्म का पहला पॉइंट है, पहला स्टेप है, उसमें हम जो HCN एंड HCl गैस है, ठीक है, जो हाइड्रोजन साइनाइड एंड हमारा जो HCl गैस है, उसको हम रिएक्ट कराएंगे, उसको सबसे पहले स्टेप में इसको रिएक्ट कराएंगे। उसके बाद जो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है, इसको फिर हम फिनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे आगे के स्टेप में। तो पहला स्टेप समझ लेते हैं, यह है हाइड्रोजन साइनाइड, यह है HCl। ठीक है, HCl में H+Cl-, ठीक है, बेसिकली जो Cl है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो HCl H+Cl- में टूट जाएगा। और ये हमारा है हाइड्रोजन साइनाइड, जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की तुलना में, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये जो Cl है इस HC के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये Cl CH बन जाएगा एंड डबल बॉन्ड रहेगा एज इट इज, एंड ये H+N के साथ जाकर जुड़ जाएगा एंड ये NH हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब जब ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ, जब हम इसको AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, सिंपल सा है कि जब हम हम इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, फिनॉल के साथ हाइड्रोजन साइनाइड HCl गैस के प्रेजेंस में AlCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले जो हमारा जो हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl के बीच रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये प्राप्त हुआ, उसके बाद इसको फिर AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, इसका जो ये जो Cl है, फिर से ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जिसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये Cl जो है इस AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और Al-Cl4, ठीक है, AlCl4 बना लेगा और ये एज इट इज रहेंगे CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसमें कार्बन में फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इतना प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम इसको रिएक्ट कराएंगे फिनॉल के साथ। ठीक है, बेसिकली फिनॉल के साथ हम हाइड्रोजन साइनाइड HCl AlCl3 ये सब के प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये प्राप्त होता है, फिर ये जो है फिनॉल के साथ जाके जुड़ता है। अब ये फिनॉल में आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये फिनॉल है। अब यहां पे रिजोनेंस की प्रक्रिया होगी। फिनॉल में हमने रिजोनेंस किस प्रकार से होता है डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फिनॉल एंड अल्कोहल चैप्टर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, रिजोनेंस की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको कार्बन की ओर शिफ्ट करेगा। बेसिकली
बेंजीन रिंग में हर एक कोने में सीएच पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये जो अपना एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, ये कार्बन के पास ऑलरेडी जो है इसका आउटर मोस्ट जो फुलफिल है मतलब बॉन्ड बना लिया है, तो ये क्या करेगा अपना फिर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और ये फिर इस कार्बन में इस प्रकार रिजोनेंस की प्रक्रिया जो है इसमें होती रहती है। तो ये जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन इस ऑर्थो पोजिशन में आएगा कार्बन के पास, तो यहाँ पे क्या होगा इस कार्बन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो CHNH है C में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज है दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब ये जो है आके इस ऑर्थो पोजिशन में जुड़ जाएगा और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है यहां से अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें ये हाइड्रोजन यहां से अलग होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है कार्बन के साथ साथ, तो ये हाइड्रोजन अलग होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर जो है ये शिफ्ट कर देगा जिससे इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, OH में। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, जो AlCl4 है, ये जो AlCl4 है, ये जो हाइड्रोजन जो बाहर निकला इसका एक Cl को लेकर जो है इसके एक Cl के साथ HCl बना लेगा और ये इस प्रकार से अलग हो जाएगा और ये AlCl4 AlCl3 बच जाएगा और ये AlCl3 के रूप में अलग हो जाएगा इस रिएक्शन से, और ये जो है एज इट इज फिर हो जाएंगे यहाँ पे जनरली ये यहाँ पे फिर से जो रिजोनेंस के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन एक दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं वो फिर से ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एज इट इज और ये एज इट इज OH हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये CH डबल बॉन्ड NH एज इट इज यहाँ पे रहेंगे और इस प्रकार से HCl और AlCl3 हमको प्राप्त हो गया, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर इसका हम जो है वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा, अब हम इसको H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, H2O के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो सिंपल सा है, यहाँ पे ये H2O ये CH डबल बॉन्ड NH के साथ रिएक्ट करेगा, H2O मतलब H प्लस OH माइनस है, ठीक है, और ये CHNH है। अब ये क्या होगा, ये जो OH है इसके साथ बेसिकली ये क्या होगा कि NH3, ठीक है, हमको प्राप्त होगा NH3 हमको प्राप्त होगा, तो सिंपल सा है ये दोनों जब वाटर का रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो हमको COH एंड NH3 ये दोनों प्राप्त होंगे, तो ये जो NH3 है ये बाहर निकल जाएगा और ये जो COH है या कि ऑर्थो पोजिशन में एज इट इज जुड़ा रहेगा, ठीक है, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वही गाटरमैन रिएक्शन का जो मेन हमारा था कि हमको उसमें ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमको एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होना था, तो इस प्रकार से मैकेनिज्म का कंप्लीट प्रोसेस के बाद हमको ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसे सैलिसाइल्डिहाइड भी कहते हैं ये हमको प्राप्त हुआ जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, ये है गाटरमैन रिएक्शंस का कंप्लीट मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। अगर आप बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर इस स्पेसिफिक टॉपिक की मैं बात करूं तो ये आपको बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर में मिलेगा। तो आप अगर आपको इस पर्टिकुलर यूनिट का हैंड रिटन नोट चाहिए जिसमें आपको ये सभी टॉपिक्स डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ मिलेंगे, तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सेम कंटेंट मिल जाएगा दोनों मीडियम में, जिस भी मीडियम से आप बीएससी कर रहे हैं आप ये नोट्स ले सकते हैं, इंडिविजुअल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं जो डेफिनेटली आपके बीएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म के साथ आपको नोट्स मिलेगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।